हेलो फ्रेंड्स वेरी वेलकम टू एल के अकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द न्यू ईयर सो आई होप दैट फॉर दिस न्यू ईयर यू आर फुल्ली एनर्जाइज्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन बहुत सारी एग्ज़ामिनेशन आने वाली है एंड जैसे कि आपने ऑलरेडी हमारा एनालिसिस देखा होगा कि मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम अवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेक्चर्स व ऑलरेडी बीन आज इन जी पी एस सी क्लास वन टू एग्ज़ामिनेशन तो आप उस तरह की किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो सो आई वुड रिकमेंड के सारे जो लेक्चर्स है उसको आप थरली फॉलो कीजिए बिकॉज देट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू गाइज चलिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू एनर्जी कन्जर्वेशन अवार्ड्स और उनको नाम दिया गया है नेशनल एनर्जी कन्जर्वेशन अवार्ड्स तो देखिए रिसेंट पास्ट में ये देखा गया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनवायरमेंट और एनर्जी से रिलेटेड जो टॉपिक है चाहे वो आपके ज्योग्राफी में हो चाहे वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो या चाहे आपके करंट अफेयर्स में हो उनको ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है सो तो अगर ऐसे कोई अवार्ड्स आप देखते हो विच इज़ आपको लगेगा कि ऑफ बीट है बट नो दे कैन बी आज इन द अपकमिंग एग्जामिशन सो रिसेंटली द ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशियंसी बी फैलिसिटेडेड वेरियस इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंस्टीट्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट्स विदर्टी फर्स्ट नैशनल एनर्जी कन्जरवेशन अवार्ड्स ऑन द ओकेजन ऑफ नैशनल एनर्जी कन्जरवेशन डे विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फोर्टीन ऑफ डिसम्बर और क्यों ये अवार्ड्स दिए जाते हैं टू शो केज इंडियाज अचीवमेंट्स इन एनर्जी एफिशियंसी एंड कन्जरवेशन न्यू अवार्ड that इज़ नेशनल एनर्जी efficiency इनोवेशन अवार्ड्स इज़ also इंस्टीट्यूशनलाइज्ड देखिए आने वाला टाइम क्या होगा हाँ कि आप नए नए इन्वेंशन करो जिससे आपटली एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हो रीनबल एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हो तो इसी के लिए नेशनल एनर्जी एफिशियंसी इनोवेशन अवार्ड्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है नेक्स्ट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी क्या है सो द बी ई इज अ स्टेचुटरी बॉडी एस्टैबलिश्ड थ्रू द एनर्जी कॉन्जरवेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड वन अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर इट असिस्ट इन डेवलपिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज विथ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी तो जब बेसिक गवर्नमेंट जब कोई एनर्जी को लेकर पॉलिसी बना दी है तो बी विल एक्ट एज अ एडवाइजरी बॉडी एज वेल और कॉन्स्टेंटली एनर्जी के सेक्टर में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं क्या क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होने चाहिए ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का काम बी ई ई का होगा ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशियंसी का होगा तो अगर आपको ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशियंसी के बारे में पूछा जाता है तो फर्स्ट इज़ इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी और स्टैचुटरी बॉडी का मतलब क्या है कि जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक तब ये एजेंसी या ये बॉडी हमारे यहाँ पे नहीं थी बट हमको बाद में फॉर स्पेसिफिक पर्पस उसकी ज़रूरत महसूस हुई और हमने किसी पर्टिकुलर लॉ में अमेंडमेंट करके या किसी नया लॉ लाकर पार्लियामेंट में उसको एस्टेब्लिश किया तो उसको आप कहोगे स्टेचुटरी बॉडी और जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सो द बी ई इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द एनर्जी कॉन्जर्वेशन एक्ट 2001 अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर तो इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सा होगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशंसी का मिनिस्ट्री ऑफ पावर It assists in developing policies and strategies with the primary objective of re reducing the energy intensity of the Indian economy. BEE coordinates with designated consumers, designated agencies, and other organizations to identify and utilize the existing resources and infrastructure in performing its functions. Okay. पिछले कुछ सालों में अगर आपने एयर कंडीशन ख़रीदा है या रेफ्रिजरेटर खरीदा है तो उसके ऊपर एक येलो एंड रेड कलर का आपको स्टिकर दिखेगा जहाँ पे आपको स्टार रेटिंग उसका दिया होगा तो वो स्टार रेटिंग का जो सिस्टम है वो बी ने इंट्रोड्यूस किया था जितने ज़्यादा स्टार रेटिंग होगे उतना आपका ज़्यादा जो इक्विपमेंट है दैट इज़ मोर एफिशियंट और वो पावर ज़्यादा पावर कम कंज्यूम करेगा और मोर एफिशियंटली वो काम करेगा So, the Ministry of Power had launched a scheme in 1991 to give national recognition through awards to industries and establishments that have taken special efforts to reduce their energy consumption while maintaining their production. The awards were given away for the first time on 14th December 1991, which was declared as the National Energy Conservation Day. इट रेकग्नाइजेज़ दी एनर्जी एफिशंसी अचीवमेंट्स इन फिफ्टी सिक्स सब सेक्टर्स अक्रॉस दी एनर्जी इंडस्ट्री एस्टाब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशन तो देखिए कितना माइक्रो एनालिसिस करके ये अवार्ड्स दिए जाते हैं और पहली बार फोर्टीन दिसम्बर नाइनटीन नाइनटी वन को मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से ऐसी यूनिट्स को या ऐसे एस्टाब्लिशमेंट को ये अवार्ड दिए गए थे जिन्होंने अपना प्रोडक्शन बरकरार रखते हुए एनर्जी कंजम्पन को कम करने की कोशिश की थी इंडिया में क्या सिचुएशन है पूरे एनर्जी सेक्टर की और ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी की तो रेसिडेंशियल के बारे में हमें पता है रेसिडेंशियल एनर्जी यूसेज के बारे में कि आज भी कई सारे इवन इन मेट्रो सिटीज़ गांव की बात तो बाद में आएगी इवन इन मेट्रो सिटीज़ लोड शेडिंग की समस्या हमारे यहाँ पर है उसका मतलब क्या है कि वी हैव सम ऑफ दी स्टेट्स जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और उन उसका प्रोडक्शन कम है अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात एनर्जी के Uh, मामले में सरप्लस स्टेट है तो गुजरात के यहां उसकी डिमांड से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है और गुजरात बाकी लोगों को एनर्जी सप्लाई करता है एनर्जी एफिशिएंसी मींस यूजिंग लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम टास्क दैट इज एलिमिनेटिंग एनर्जी वेस्ट तो एनर्जी वेस्ट जो हो रहा है उसको कम करने का जो टास्क है दैट इज़ नोन एज एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी ब्रिंग्स अ वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन रिड्यूसिंग डिमांड फॉर एनर्जी इंपोर्ट्स एंड लोअरिंग अवर कॉस्ट ऑन हाउस होल्ड एंड इकोनॉमी वाइड लेवल इंडियाज एनर्जी सेक्टर इज सेट फॉर ट्रांसमिशन विद रिसेंट डेवलपमेंटल एम्बिशंस ऑफ द गवर्नमेंट तो पिछले कुछ सालों से ग्लोबल लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करने का एक मूवमेंट uh, सा स्टार्ट हुआ है वाई बिकॉज जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है दे एनी वे गोइंग टू डाई इन सम इयर्स ओके हाथ से पंद्रह बीस सालों के बाद जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या तो जो फॉसिल फ्यूल्स है वो नहीं रहेंगे एट दैट टाइम उसका अगर ट्रांजिशन हमें स्टार्ट करना है उसके ऑप्शन ढूंढना हमें स्टार्ट करना है सो दिस इज़ द हाई टाइम दैट नाउ गवर्नमेंट शुड स्टार्ट मेकिंग पॉलिसीज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पावर विंड पावर हाइड्रो एनर्जी एट्सेट्रा ग्रीन एनर्जी बेसिकली सो पिछले कुछ सालों में जब से 2014 में नई गवर्नमेंट आई है गवर्नमेंट इज़ ह्यूजली इन्वेस्टिंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ओके okay. और कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टार्ट की है कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने अपना लीडरशिप दिखाते हुए हार्ड uh, से हार्ड अचीवमेंट और हार्ड से हार्ड टारगेट सेट किए हैं टिल 2030 टिल 2050 सो दीज ऑल एक्शंस सेइंग दैट इंडिया इज़ टायरलेसली वर्किंग टू अचीव अ ग्रेट हाइट एंड टू ब्रेक न्यू रेकॉर्ड्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यबल एनर्जी सो एनर्जी एफिशियंसी मीन्स यूजिंग लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम टास्क दैट इज एलिमिनेटिंग एनर्जी वेस्ट एनर्जी एफिशियंसी ब्रिंग्स अ वराटी ऑफ बेनिफिट्स जैसे कि रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस रिड्यूसिंग डिमांड फॉर एनर्जी इंपोर्ट्स एंड लोअरिंग अवर कॉस्ट ऑन अ हाउस होल्ड एंड इकोनॉमी वाइड लेवल इंडियाज एनर्जी सेक्टर इज सेट फॉर अ ट्रांजिशन

100% electrification of households, solarization of agriculture pump sets, which is a Kusum scheme, and promotion of clean cooking. India can avoid building 3000 gigawatt of new power generation up to 2040. Implementation of ambitious energy efficiency. पॉलिसीज़ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी एफिशियंसी मेजर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स ऑफ सेवन पॉइंट वन फोर परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन ऑफ द कंट्री एंड एमिशन रिडक्शन ऑफ वन जीरो ट्वेंटी एट मिलियन टन ऑफ सी ओ टू ड्यूरिंग ट्वेंटी सेवनटीन एटीन तो देखिए एनर्जी एफिशियंसी से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है और इकोनॉमी को कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है एम्प्लॉयमेंट नया जनरेट हो सकता है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की efforts related to energy efficiency and conservation so india has specifically made a new law made for energy conservation to address the issue of energy conservation so energy conservation act 2001 the act provides regulatory mandates for standards and labeling of equipment and appliances energy conservation building codes for commercial buildings and energy consumption norms for energy intensive industries PAT scheme lai humne that is perform achieve and trade scheme so it's a market based mechanism to enhance the cost of effectiveness in improving the energy efficiency in energy intensive industries through certification of energy saving which can be traded standards and labeling so the scheme was launched in 2006 and is currently invoked for equipment appliances uh, like room air conditioner सीलिंग फैन कलर टेलीविजन कंप्यूटर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा तो जो हमने येलो एंड रेड स्टिकर की बात की स्टार रेटिंग सिस्टम की जो बात की वो दैट इज़ द स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग तो इवन अ कॉमन मैन जिसको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता उसको लेमन लैंग्वेज में यह समझाया जा सकता है कि अगर कोई इक्विपमेंट फाइव स्टार है तो वो आपका घर पे बिल बिजली का बिल कम आएगा इफ़ इट्स अ वन स्टार और टू स्टार तो कंपेरेटिवली आपका बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के बारे में अगर कोई इंसान सोचेगा तो वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जाएगा नेक्स्ट इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड सो इट वाज डेवलप्ड फॉर न्यू कमर्शियल बिल्डिंग्स इन 2007। इट सेट्स मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स फॉर न्यू कमर्शियल बिल्डिंग्स हैविंग अ कनेक्टेड लोड ऑफ हंड्रेड किलोवॉट और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ऑफ वन ट्वेंटी एंड अबोव किलोवॉट एम डिमांड साइड मैनेजमेंट सो डी एस एम इज़ दिलेक्शन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स इंटेंडेड टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द डिमांड और कस्टमर साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक मीटर ओके तो जिस तरह से डिमांड होगी उस तरह से उसको सप्लाई मिलना चाहिए गवर्नमेंट uh, का काम है ये इंश्योर करना डिस्कॉम्स का काम है ये इंश्योर करना ग्लोबल लेवल पे क्या सिनारियो है सो ग्लोबल लेवल पे एक एजेंसी काम करती है दैट इज़ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी तो रिसेंटली हमने पिछले वीडियो में पिछले कुछ वीडियो में जब हमने बात की थी इसके बारे में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में एट दैट टाइम वी हैव लर्नड कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में जॉइन होने का परमानेंट मेंबर बनने का इनविटेशन रिसेंटली इंडिया को मिला है इवन दो इंडिया इज नॉट फुलफिलिंग द प्री टू जॉइन आई राइट बट इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम इतना अच्छा है कि एज एन एक्सेप्शन इंडिया को ये दिया गया है सो आई ई ए वर्क विद कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू शेप एनर्जी पॉलिसीज फॉर अ सिक्योर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल सो इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशंस एंड लीडर्स इन द गवर्नमेंट द प्राइवेट सेक्टर फिनंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सिविल सोसाइटी टू ड्राइव फास्टर एक्शन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेवन तो इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारे काम हो रहे हैं पेरिस अग्रीमेंट द मोस्ट प्रोमिसिंग एंड मोस्ट डिस्कस्ड अग्रीमेंट जो कि एन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है सो इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज इट्स गोल इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो टू परसेंटेज प्रेफरेबली टू वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस कम्पेयर टू प्र इंडस्ट्रियल लेवल्स मिशन इनोवेशन को लॉन्च किया गया है सो इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ ट्वेंटी फोर कंट्रीज एंड द यूरोपियन कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी इनोवेशन तो नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे इवन एट नाउ स्मार्ट सिटीज मिशन पे इवन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो लोकल अथॉरिटीज आर एनक्रेजिंग पीपल टू इंस्टॉल सोलर पैनल टू यूज द इलेक्ट्रिक व्हीकल एट्सेट्रा राइट सो ये सारी चीजें हर लेवल पे गवर्नमेंट इज ट्राइंग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू एन इंटरनेशनल इश्यू तो दो कंट्रीज़ के बीच में ऑथॉरिटी को लेकर एक रीजन को लेकर झगड़ा चल रहा है दो टू कंट्रीज आर रशिया एंड यूक्रेन अब देखिए रशिया और यूक्रेन के झगड़े को लेकर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठ गया है वेन एवर इट्स अ मैटर विथ रशिया तो यू आ जाएगा रशिया को इंडिया सपोर्ट करता है चीन सपोर्ट करता है तो यू एस ए अगेंस्ट दर्ल्ड इस केस में हो जाता है सो रिसेंटली द यू एस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सेड द टेंशन ऑन द रशिया यूक्रेन बॉर्डर रिप्रेजेंट्स अ मेजर सिक्योरिटी क्राइसिस फॉर द रीजियन विथ द पोटेंशियल टू स्नो बॉल इन टू अ बॉर्डर ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट तो यू एस इंटेलिजेंस का ये कहना है कि अगर इसको पीसफुली रिजॉल्व नहीं किया गया कुछ ही टाइम में तो ये ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है और काफ़ी सारे देशों को साइड चूज करना पड़ सकता है यूक्रेन सेज दैट रशिया हैज़ अमेज्ड अराउंड नाइन्टी थाउजेंड ट्रूप्स एट दी बॉर्डर ओके अभी इन दोनों की बात करें तो हु इज द पावरफुल कंट्री रशिया इज़ दी बाई डिफॉल्ट द पावरफुल कंट्री और इसीलिए यूक्रेन बाकी सारे कंट्रीज से मदद मांग रहा है बैकग्राउंड क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट का सो यूक्रेन एंड रशिया शेयर्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड फेमिलियल लिंक्स जिस हिसाब से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रूट्स आर सेम बट स्टिल वी आर वर्स्ट एनिमी इन द वर्ल्ड तो वैसा ही कुछ हिसाब रशिया और यूक्रेन के बीच में है फॉर मैनी इन रशिया एंड द इन द एथनिकली रशियन पार्ट्स ऑफ़ यूक्रेन द शेयर्ड हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज इज एन इमोशनल इशू दैट हैज़ बीन एक्सप्लॉयटेड फॉर इलेक्टोरल एंड मिलिट्री पर्पजेज एज पार्ट ऑफ़ दोवियत यूनियन यूक्रेन वॉज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल सोवियत रिपब्लिक आफ्टर रशिया एंड वॉज क्रूशियल स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली एंड कल्चरली तो यूएस एस आर के डिविजन के बाद इन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट वो बढ़ता चला जा रहा है बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है तो पहला तो है बैलेंस ऑफ पावर सो एवर सिंस यूक्रेन स्प्लिट फ्राम दोवियत यूनियन बोथ रशिया एंड द वेस्ट हैव वेट फॉर द ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन द कंट्री इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजियन इन देयर फेवर तो क्योंकि यूक्रेन नया नया यूएसएसआर से अलग हुआ था आसपास के जितने भी बड़े पॉलिटिकल पावर्स थे उन्होंने ये ट्राई किया कि यूक्रेन को हमेशा दबाया जाए ताकि वो अपने पावर को बढ़ा सके रीजियन में उनका दबदबा रहे बफर जोन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज सो फॉर द यू एस एंड द यूरोपियन यूनियन यूक्रेन इज द क्रूशियल बफर बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट एज टेंशन रशिया राइज द यू एस एंड द यूरोपियन यूनियन आर इंक्रीजिंगली डिटर्माइंड टू कीप यूक्रेन अवे फ्रॉम रशियन कंट्रोल तो देखिए रशिया की अगर ताकत बढ़ती है तो कई सारे ऐसे देश हैं जो टेंशन में आ जाएंगे यूरोप के कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ फ्रांस जर्मनी इटली टेंशन में आ जाएंगे यूएस ए टेंशन में आ जाएगा तो ये देश कभी नहीं चाहते कि रशिया के पास ज़्यादा पावर हो सो दे विल ट्राई टू अपोज रशिया इनडिरेक्टली एंड दे विल ट्राई टू सपोर्ट यूक्रेन सो एट इस टेंशन विद रशिया राइज द यू एस एंड द यूरोपियन यूनियन आर इंक्रीजिंगली डिटमाइंड टू कीप यूक्रेन अवे फ्रॉम रशियन कंट्रोल रशिया रशियन इंटरेस्ट इन ब्लैक सी तो जैसे कि हमने आगे मैप में देखा दिस इज़ द ब्लैक सी तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर दें काफ़ी सारे कंट्रीज़ के इंटरनेशनल रीजन यहाँ पे बने हुए हैं जैसे साउथ चाइना सी में चाइना इज़ ट्राइंग वैसे ही ब्लैक सी में रशिया इज़ ट्राइंग है उसके पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो सो द यूनिक जियोग्राफी ऑफ द ब्लैक सी रीजन कन्फर्स सेवरल जियो पोलिटिकल एडवाटेज टू रशिया फर्स्टली इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉस रोड एंड स्ट्रेटेजिक इंटरसेक्शन फॉर द एंटायर रीजियन एक्सेस टू द ब्लैक सी इज़ वाइटल फॉर ऑल लिटोरल एंड नेबरिंग स्टेट एंड ग्रेटली एनहेंस इज द प्रोजेक्शन ऑफ पावर इन टू सेवरल एडज रीजियंस सेकेंडली द रीजियन इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट कॉरिडोर फॉर गुड्स एंड एनर्जी तो अगर रशिया का यहाँ पर कंट्रोल बढ़ता है तो अल्टीमेटली इसका फायदा किसको होगा रशिया को होगा और ये बाकी सारे कंट्रीज़ नहीं चाहते कि ये फायदा रशिया को पहुँचे यूक्रेन में क्यों इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो पहला दो है यूरो मेडन मूवमेंट सो यूरोपियन स्क्वायर मूवमेंट और यूरो मैदान मूवमेंट वॉज अ वेव ऑफ़ डेमॉन्स्ट्रेशन एंड सिविल अनरेस्ट इन यूक्रेन विच बिगेन इन नवम्बर ट्वेंटी थर्टीन विद पब्लिक प्रोटेस्ट इन मैदान मैदान नेजाले नोश्ती इन कीव यूक्रेन द प्रोटेस्ट वॉज स्पार्क्ड बाय द यूक्रेनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू सस्पेंड द साइनिंग ऑफ एन एसोसिएशन एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन इंस्टेड चूजिंग क्लोजर टाइज टू रशिया एंड द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन तो उस टाइम की यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने ये चूज़ किया कि वी विल गो विद रशियन ट्रिटीज एंड नॉट विद द यूरोपियन यूनियन ट्रिटीज जहाँ जिसका वहाँ की सिविल सोसाइटीज ने और कॉमन पब्लिक ने uh, विरोध किया द प्रोटेस्ट वर पाक्ड बाय द यूक्रेनियन गवर्नमेंट डिसीजन टू सस्पेंड द साइनिंग ऑफ एन एसोसिएशन अग्रीमेंट विथ द यूरोपियन यूनियन इंस्टेट चूजिंग क्लोजर टाइज टू रशिया एंड द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट इस इसकी वजह से स्टार्ट हुआ सो द दौनब्राज रीजियन ऑफ़ दी ईस्टर्न यूक्रेन हैज बिन फेसिंग अ प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट इज ट्वेंटी फोर्टीन देखिए हमारे रीजन में भी काफ़ी सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती है बलोचिस्तान चलता है खालिस्तान चलता है ग्वादर में प्रोटेस्ट चलते हैं तो देर आर मल्टीपल रीजन इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री जहाँ पर इस तरीके से रीजनल आ, जो कॉन्फ्लिक्ट वो होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूक्रेनियन गवर्नमेंट द मूवमेंट इज एक्टिवली सपोर्टेड बाई द रशियन गवर्नमेंट एंड रशियन पैरामिलि पैरामिलिट्री फोर्सेज मेकअप बिटवीन फिफ्टीन परसेंट टू एट्टी परसेंट ऑफ द सेपरेटिस्ट फाइटिंग अगेंस्ट द यूक्रेनियन गवर्नमेंट ओके सो जैसे uh, हर जगह होता है एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है रशिया इज ब्लेमिंग यूक्रेन एंड यूक्रेन इज ब्लेमिंग रशिया ही इन्वेजन ऑफ क्रीमिया सो रशिया सीज्ड क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन इन वॉट वॉज द फर्स्ट टाइम अ यूरोपियन कंट्री अनेक्स्ड टेरिटरी फ्रॉम अनादर कंट्री सिंस वर्ल्ड वॉर टू तो क्रीमिया रीजियन जो है वो रशिया ने अभी के लिए एनेक्स कर लिया है इलीगली अभी उसके ऊपर किसका अधिकार है रशिया का अधिकार है सो रशिया सेजड क्रीमिया फ्राम यूक्रेन इन वॉट वॉज द फर्स्ट टाइम अ यूरोपियन कंट्री अनेक्स्ड टेरिटरी फ्रॉम अनादर कंट्री सिंस वर्ल्ड वॉर

इजाफा हो गया है बहुत बढ़ोतरी हो गई है यूक्रेन नाटो मेंबरशिप सो यूक्रेन हैज़ अर्जड द नाटो दैट इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इसका पार्ट नहीं है सो नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीड अप हिज कंट्रीज मेंबरशिप इन द अलायंस रशिया हैज डिक्लेयर्ड सच अ मूव अ रेड लाइन एंड वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द यूएस लेड मिलिट्री अलायंस एक्सपेंडिंग राइट अप टू इट्स डोर स्टेप तो रशिया नहीं जाता कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप मिले द ब्लैक सी इज़ बॉर्डर्ड बाय बल्गेरिया जॉर्जिया रोमानिया रशिया टर्की एंड यूक्रेन ऑल दीज कंट्रीज़ आर नाटो कंट्रीज तो देखिए बल्गेरिया जॉर्जिया रोमानिया जितने भी यूरोश यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तो सारे नाटो के मेंबर एक्सेप्ट यूक्रेन। ड्यू टू दिस फेस ऑफ बिटवीन नाटो कंट्रीज़ एंड रशिया द ब्लैक सी इज़ अ रीजियन ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एंड अ पोटेंशियल मेरी टाइम फ्लैश पॉइंट तो सारे नाटो के कंट्रीज अपने रीजियन के लिए अपने पावर्स को लेकर अपने टेरिटरी को लेकर आपस में लड़ रहे हैं जिसकी वजह से ये जो रीजन है उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है नेक्स्ट इज मिन्स्क अग्रीमेंट तो मिन्स्क रशिया का एक शहर है सो यूक्रेन एंड द रशियन बेग्ड सेपरेटिस्ट अग्रीड अ ट्वेल्व पॉइंट सीज फायर डील इन द कैपिटल ऑफ बेलारूस इन सप्टेम्बर ट्वेंटी फोर्टीन इट्स प्रोविजन्स इंक्लूडेड प्रिजनर एक्सचेंजस डिलीवरीज ऑफ ह्यूमेनिटेरियन एड एंड द विड्रोवल ऑफ हैवी वेपन्स द अग्रीमेंट क्विकली ब्रोक डाउन विथ वायोलेशन बाई बोथ साइड्स तो देखिए ऐसे कई अग्रीमेंट होते हैं बट बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट के थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं होता और थोड़ा सा कोई अगर हलचल एक साइड होता है तो दोनों ही अपने जो अग्रीमेंट है जिस पे वो लोग खुद अग्री किए थे साइन किए थे उसको क्या करेंगे वायोलेट कर देते हैं देन केम द मिन्स्क टू अग्रीमेंट सो इन 2015 फिफ्टीन एन ओपन वर अवर्टेड आफ्टर द मिन्स्क टू पीस अग्रीमेंट वॉज साइंड अंडर द मीडिएशन ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी इट वॉज डिजाइंड टू एंड द Uh, fighting in the rebel regions and hand over the border to Ukraine's national troops. It was signed by representatives of Russia, Ukraine, the Organization for Security and Cooperation in Europe and the leaders of two pro-Russian separatist regions. OSCE is the world's largest security-oriented intergovernmental organization. Its mandate includes issues such as armed control, promotion of human rights, फ्रीडम ऑफ दी प्रेस एंड फेयर इलेक्शंस तो ये सारी चीज़ें क्योंकि रशिया में नहीं हो रही थी इसकी वजह से आ, ये प्रोटेस्ट वहाँ पर सारे क्या हुए स्टार्ट हुए थे करंट सिचुएशन क्या है सो रशिया इज़ सीकिंग अश्योरेंसेज फ्रॉम द यूएस दैट यूक्रेन विल नॉट बी इंडक्टेड इन टू नाटो जब उसको नाटो का मेम्बर बनाया जाएगा तो उसका बैकअप बढ़ जाएगा एंड रशिया डज़ नॉट वॉन्ट दैट कि यूक्रेन को एक्सटर्नल सोर्सेस से किसी भी तरह की हेल्प मिले हावेवर द यू एस इज नॉट प्रिपेर टू गिव एनी सच अश्योरेंस यूएस भी डबल uh, गेम खेलता है वी ऑलरेडी नो तो यू एस ऐसा कोई अश्योरेंस देने के लिए अभी के लिए रेडी नहीं है दिस इज लेफ्ट द कंट्रीज इन अ स्टैंड ऑफ विथ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ रशियन ट्रूप्स रेडी टू इन्वेड यूक्रेन रशिया इज़ कीपिंग द टेंशन हाई एट द यूक्रेन बॉर्डर इन ऑर्डर टू गेट सेंशन रिलीफ एंड अदर कंसेंशन फ्रॉम द वेस्ट एनी काइंड ऑफ अ मिलिट्री एक्शंस बाई द यू एस और यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट रशिया वुड प्रेसिपिटेट अ मेजर क्राइसिस फॉर द होल वर्ल्ड एंड हैज सो फार नॉट बीन मूटेड बाई एनी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व तो रशिया ने नज दबा के रखी है कि अगर आप हमारे सेंक्शंस नहीं हटा दे या फर्दर सैंक्शंस अगर हमारे ऊपर लगाते हो तो हम यूक्रेन में घुसकर पूरे रीजन को अनरेस्ट कर देंगे जो कि सारी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरी चीज़ होगी क्योंकि वो मल्टीपल चीज़ों पर अफेक्ट करेगा एंड दैट्स वाई यूरोपियन यूनियन या यू कोई फर्दर सैंक्शंस अभी के लिए नहीं लगा रहा है क्यों क्योंकि उनको डर है कि रशिया उसको बहुत नेगेटिव तौर पर लेकर रशिया रिटेलिएट कर सकते हैं और रशिया के पास वो पावर्स भी है इंडिया का स्टैंड क्या है सो इंडिया डिड नॉट जॉइन वेस्टर्न पावर्स कंडेमेशन ऑफ रशियाज़ इंटरवेंशन इन क्रीमिया एंड कैपिटल लो प्रोफाइल ऑन द इश्यू अब देखिए इंडिया बहुत जगहों पर खुल के सामने आ रहा है जब चाइना अग्रेशन दिखाता है ऐसे टेरिटोरियल इश्यूज़ पे, सो so, इंडिया खुल के बोल रहा है कि इट शुडेंट बी अ टेरिटोरियल रेजीम uh, और चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए एंड सो एंड सो पीसफुल रीजन होना चाहिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा बट व्हेन रशिया इज़ डूइंग द सेम थिंग इंडिया इज नॉट ओपनली चैलेंजिंग इू बाई बिकॉज रशिया इज़ द क्लोजेस्ट वन ऑफ द क्लोजेस्ट पार्टनर्स फॉर इंडिया और इंडिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जैसे कंट्री के लिए जिसके साथ इंडिया का लिमिटेड ट्रेड uh, है लिमिटेड कल्चरल टाइज है बहुत प्लेटफॉर्म पे वी डू नॉट शेयर अ कॉमन प्लेटफॉर्म तो इंडिया नहीं चाहता कि यूक्रेन के इश्यू को लेकर हम रशिया को नाराज़ करें राइट right? सो so, इंडिया चाहता है कि रशिया इसको अपने तरीके से हैंडल करे अनलेस एंड अनटिल इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन और इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशन ख़राब नहीं हो रहे हैं इंडिया इज़ नॉट इन्वॉल्विंग इट सेल्फ इन this particular issue so India did not join the Western powers condemnation of Russia's intervention in Crimea and kept a low profile on the issue in November 2020 India voted against a Ukraine sponsored resolution in the United Nations that condemned alleged human rights violation in Crimea thereby, thereby backing old ally Russia on the issue so we have here, Russia. बैक किया था और यूक्रेन का हमने अपोज किया था सो दिस वाज योर योर एंटायर यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट ओवर द क्रीमिया रीजन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इट इज आल्सो रिलेटेड टू एन एनवायरमेंटल इशू और वो है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर कस्तूरी रंगन कमेटी का रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया गया है सो so, रिसेंटली और कर्नाटका की गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली इस रिपोर्ट का अपोज कर रही है वाई और क्या इश्यू था है? क्या कस्तूरी कमेटी है वी विल सी दैट इन डिटेल तो कस्तूरी कमेटी ऑन वेस्टर्न घाट्स रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज इनफॉर्म्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट द स्टेट इज अपोज्ड टू द कस्तूरी कमेटी रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट्स द कस्तूरी कमेटी रिपोर्ट हैज प्रपोज्ड 30

ना वी ऑलरेडी नो की अगर किसी रीजन को आप इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर ऑटोमेटिकली बैन लगा दिया जाता है ओके यू प्रोहिबिटेड तो कर्नाटका गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे स्टेट के काफी सारे लोग क्योंकि कर्नाटका में आ, काफी सारा वेस्टर्न घाट का हिस्सा है सो so कर्नाटका गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को अपोज कर रही है वाई बिकॉज इट विल डिरेक्टली अफेक्ट दाइवलीहुड ऑफ दी पीपल एम्प्लॉयमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल Eco-sensitive areas kya hai? So ecosensitive areas are located within 10 kilometers around protected areas, national parks, and wildlife sanctuaries. ESAs are notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under Environment Protection Act 1986. The basic aim is to regulate certain activities around national parks and wildlife sanctuaries so as to minimize the negative impact.

कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्टेड द प्रपोजल क्या था उसमें तो से कर, केरला था का जितना भी हिस्सा है ओवरऑल सिक्सटी थाउजेंड स्क्लोमीटर्स टू बी डिक्लेयर एज इको सेंसिटिव एरिया आउट ऑफ दिस ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया फॉल्स इन कर्नाटका कवरिंग फिफ्टीन हंड्रेड से तो देखिये वन थर्ड हिस्सा जो है वो कहाँ पर गिर रहा है इसका इको सेंसिटिव प्रपोज इको सेंसिटिव जोन का कर्नाटका में जा रहा है द बाउंड्री ऑफ द साइड्स आर इन मोस्ट केसेज बाउंड्रीज ऑफ दीगली डी मार्केटेड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टाइगर रिजर्व एंड फॉरेस्ट डिविजन एंड देर फॉर ऑलरेडी अकॉर्डेड विद हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन

सो इट ऑल्सो स्टेटेड दैट दूनेस्को हेरिटेज टैग इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक रिकोगनीशन ऑफ द इमरस नेचुरल वेल्थ दैट एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न घाट तो गवर्नमेंट को उसको रिकोग्निशन के तौर पर इस्तेमाल करके उसको जैसे का तैसा रहने देना चाहिए उसमें ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट अगर चाहे तो बड़ा स्मार्टली अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बचा सकती है जो कि एनवायरमेंट को सीधे सीधे तौर पर हार्म नहीं करेगा कर्नाटका तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र रोल ऑफ दवेंट्स क्या है सो शुड व्यू दिस डेवलपमेंट एंड बिल्ड अ प्लान टू प्रोटेक्ट कंजर्व एंड वैल्यू द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द रीजियन ओके एंड ये जो देखिये पूरा हिस्सा है स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात एंड एंडिंग टू केरला पूरा जो ग्रीन हिस्सा आपको दिख रहा है दैट इज योर वेस्टर्न घाट ओके कर्नाटका गवर्नमेंट का अपोजिशन क्या है सो इंपीडिंग डेवलपमेंटल प्रोग्रेस कर्नाटका हैज एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर एंड द गवर्नमेंट हैजेकन केयर टू प्रोटेक्ट दायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट

मल्टीपल एस सीज एंड एस टी कम्युनिटीज ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर लिविंग इन दिस एरिया तो कर्नाटका गवर्नमेंट ये बोल रही है कि कस्तुरी रंगन रिपोर्ट इज नॉट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन ह्यूमन राइट ऑफ दिस पीपल दे शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी काइंड ऑफ जो एडवाइस दी गई है जो रिकमेंडेशन दी गई है कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मेनी ऑफ दी एस्पेक्ट को थरली हमें चेक कर लेना चाहिए सो दिस वाज ऑल अबाउट अपोजिशन ऑन दी कस्तुरी रंगन रिपोर्ट वेस्टर्न घाट रिपोर्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सो रिसेंटली टेंथ ऑफ डिसम्बर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया और दिस इज़ योर ह्यूमैनिटीज टॉपिक वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर काफ़ी सारी इंटरनेशनल ट्रिटीज़ हुई है देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल ग्रुप्स जो ह्यूमन uh, राइट्स के लिए लड़ रहे हैं दुनिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग कंट्री में रोज़ ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं जिससे लोगों को बचाने के लिए लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग सो एवरी ईयर ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन टेंथ ऑफ डिसम्बर ऑल अराउंड द वर्ल्ड फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 report released रिपोर्ट this year दिस ईयर हैड डाउनग्रेडिड इंडिया स्टेटस फ्राम फ्री टू पार्टली फ्री तो देखिए इंडिया में पिछले एक दो सालों में सी ए को लेकर जम्मू कश्मीर को लेकर फार्म बिल्स को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए उसकी वजह से मीडिया का जो रोल है उसके ऊपर और लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है जिसकी वजह से इंडिया का जो रैंकिंग है उसको डाउनग्रेड किया गया है क्या है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सो ऑन दैट डे द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड इन 1948 द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स द यू डी एच आर ऑफ कॉमन बेसिक वैल्यूज बोथ विद रिगार्ड्स टू द व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल तो आपस में को, कोई दो ह्यूम्स के कैसे रिश्ते होने चाहिए एंड हाउ अ कंट्री शुड ट्रीट देयर सिटीजन ये चीज़ें भी वहाँ पर लिखी गई थी सेट ऑफ रूल्स बनाए गए सेट ऑफ रिकमेंडेशन बनाए गए 2021 की जो थीम थी वो क्या थी वो थी इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनक्वालिटी इज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रमोट इक्वालिटी पीस जस्टिस फ्रीडम एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू राइट्स इस्पेक्टिव ऑफ रेस कलर रिलीजियन सेक्स लैंग्वेज एंड सोशल स्टेटस तो ये सारी चीज़ों से ऊपर हट कर भी सबको अपने ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए उसकी ना तो एथनीसिटी से आपको लेना देना होना चाहिए जो बेसिक जो डिग्निटी के साथ जीने के जो राइट्स है वो किसी भी इंसान को मिलने चाहिए वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सो दीज आर राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस सेक्स नेशनैलिटी एथनीसिटी लैंग्वेज रिलीजियन और एनी अदर स्टेटस दीज इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड मैनी मॉ नैलसन मंडेला हैज़ स्टेटेड टू डिनाई पीपल देर ह्यूमन राइट्स इज़ टू चैलेंज देर वेरी ह्यूमनिटी तो अगर आप किसी इंसान को आ, उसके बेसिक राइट्स देने से इनकार कर रहे हो तो आप ह्यूमनिटी को मानने से इनकार कर रहे हो इफ़ द स्टेट इज डूइंग सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन कौन से है सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स जिसकी हमने बात की सो so द 30 राइट्स एंड फ्रीडम इंक्लूड सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स लाइक द राइट टू लाइफ लिबर्टी फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी एंड इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट लाइक द राइट टू सोशल सिक्योरिटी हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेट्रा तो ये सारे ऐसे राइट्स हैं जो हर किसी को मिलने चाहिए India took an active part in drafting uh, of the UDHR. The UDHR is not a treaty, so it does not directly create legal obligations for countries. The UDHR, together with the International uh, Convent on Civil and Political Rights and its two optional protocols, and the International Convent on Economic, Social, and Cultural Rights and its optional protocol. फ्राम द सो कॉल्ड इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स ओके तो यू डी एच आर ट्रिटी नहीं है तो वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है बट उसके बाद उसके बेसिस पे देर आर मल्टीपल अदर ट्रीटीज जो कि इंसेप्शन में आई है वो लीगली बाइंडिंग है और कौन से कन्वेंशन है सो दीज इंक्लूड द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स of racial discrimination, the convention on the elimination of all forms of discrimination against women, the convention of rights of child, and the convention on the rights of persons with disabilities, among others. so india is party to all these conventions. jo bhi convention, baat ki, india and india is actively taking part in drafting the update policies. एंड इंडिया इज ट्राइंग वेरी हार्ड ऑन द डोमेस्टिक डोमेस्टिक फ्रंट एज वेल ताकि सब लोगों को इक्वालिटी मिल सके ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है सो द ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइट नेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इट इज मेडअप ऑफ फोर्टी सेवन यूनाइटेड नेशन मेम्बर स्टेट्स विच आर इलेक्टेड बाई द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली

हु कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऑन दायलेशन ऑफ ह्यूमन राइटर दर्ल्ड तो एमनेस्ट इंटरनेशनल का जभी भी रिपोर्ट आता है ऑन फ्रीडम इट्स ऑलवेज वो काफ़ी हाइप क्रिएट करते हैं और काफ़ी इन बोथ नैशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया वो डिस्कशन का एक सब्जेक्ट बनता है इंडिया में ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है सो so,

दैट डज़ नाट मीन दैट स्टेट विल एंड मस्ट बिहेव लाइक दिस ओके सो हमने राइट टू एजुकेशन दे दिया है राइट टू लाइफ दे दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दिया है ये सारी चीज़ें हमने फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी इंक्लूड करके रखी है वॉट इज़ फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दीज इंक्लूड्स राइट टू इक्वेलिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन Right to freedom of religion, culture and cultural and educational rights, saving of certain laws and right to constitutional remedies. so these are your fundamental rights और aage multiple lectures mein काफी बार हमने rights को related अगर कोई topic पढ़ाए हो तो हमने multiple times uh, section wise उनकी discussion की है. Directive principles of the state policies क्या है? सो आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी कॉन्स्टिट्यूशन दीज इंक्लूड राइट टू सोशल सिक्योरिटी राइट टू वर्क टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क राइट टू एग्जिस्टेंस वर्दी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाई द स्टेट स्टेचुटरी प्रोविजन क्या क्या है so protection of human rights act 1993 provided for the constitution of a national human rights commission at the union level which steers the state human rights commission at the state levels and human rights courts for better protection of human rights and for matters connected uh, therewith or incidental thereto तो इंडिया में 1993 में एक स्टैचूटरी बॉडी बनाई गई विच इज़ एन अम्ब्रेला बॉडी इन इंडिया फॉर ह्यूमन राइट्स, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज एन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो इसको भी अब आए दिन अपने न्यूज़ में देखते रहते हो और क्या क्या इनिशिएटिव है इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सो so, गरीब आदमी के लिए जो गरीब तबका है सोसाइटी का उनके लिए जन धन अकाउंट रुपए कार्ड उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसे कई आ, स्कीम्स लाई गई है फॉर वुमेन प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एंड ट्रिपल तलाक जैसे इक्वालिटी लाने वाले आ, बिल लाए गए हैं फॉर ट्रांसजेंडर्स नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस और गरिमा गृह जैसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं पीएम एम केयर्स फुल चिल्ड्रन स्कीम लाई गई है कि जो कोविड में जो बच्चे अपने माता पिता या किसी एक को अगर खो चुके हैं तो उनका पूरा जो खर्च है वो गवर्नमेंट उठाएगी इस तरह की स्कीम पीएम एम केयर्स के अंदर लाई गई है दिव्यांग जन जो स्पेशली डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन स्कीम लाई गई है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लाया गया है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम लाई गई है और माइग्रेंट्स को बेटर लाइफ प्रोवाइड करवाने के लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड जैसी एम्बिश स्कीम को ऑलरेडी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर चुकी है तो देर आर मल्टीपल फ्रंट पे गवर्नमेंट इज ट्राइंग के लोगों में इक्वालिटी आए ताकि जब इक्वालिटी आएगी सो यू कैन ईजीली प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स ह्यूमन राइट्स अभी इंडिया में क्यों वायोलेशन ह्यूमन राइट्स वायोलेशन केसेस होते हैं बिकॉज देर इज़ नो इक्वालिटी जॉब्स में इनक्वालिटी नहीं है पे कल्चर में इन नहीं है सिक्योरिटी में इनक्वालिटी है प्रोटेक्शन uh, में इक्वालिटी नहीं है सो so इन सारी चीज़ों की वजह से इनकम में इक्वालिटी नहीं है तो इन सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट इस ट्राइंग कि पहले लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करवाई जाए और उस बेसिस पे ऑटोमेटिकली ह्यूमन राइट्स उनके जो है वो उसको स्ट्रोंगर तरीके से स्टेट प्रोटेक्ट कर पाएगा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन राइट्स डे जो हमने मनाया रिसेंटली इन मंथ ऑफ डिसम्बर सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक आज के जो टॉपिक थे वो काफ़ी इंटेंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे फ्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट टिल दैट टाइम स्टे होम स्टे सेफ स्टे हैप्पी थैंक यू